सरकार और निजी डॉक्टर्स एक बार फिर आमने सामने हैं। आईएमए की कॉल पर आज देश भर में निजी डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद रख अपना विरोध जताया है। इस बार केंद्र डॉक्टर्स की लड़ाई नेशनल मेडिकल कमीशन को लेकर है, जिसे जल्द केंद्र सरकार लाने जा रही है, जिसमें डॉक्टर्स के अलावा ऐसे सदस्य भी चुने जाने हैं जिनका मेडिकल से लेना देना नहीं है। इसके साथ ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के 40% सीट पर नेशनल मेडिकल कमीशन का कंट्रोल रहेगा। एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए भी कुछ कानून तय किए जा रहे हैं, जिसको लेकर निजी डॉक्टर्स को दिक्कत है। इसी कारण आज के दिन डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद रख हड़ताल रखी। इससे पहले भी 17 जून को इन्होंने हड़ताल कर बाजारों में जलूस की शक्ल में घूमकर रोष जताया था। मेरा नाम डॉक्टर डीएस गोयल है, मैं एपीआई हरियाणा स्टेट का चेयरमैन हूं, साथ में मैं इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट आईएमए अंबाला का। सर, जो आज की हड़ताल है, इसका बेसिक मुद्दा ये है कि पहले हमारी एमसीआई थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने चलो जैसे भी है इन्होंने डिसॉल्व करके और एक एनएमसी बना दी, नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन, बहुत बढ़िया। अब उसमें क्या है, इन्होंने एक लेटेस्ट एक बिल लेके आए हैं जिसके अनुसार दो चीजें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने रखती है, जिसकी वजह से हड़ताल लगी है। नंबर एक के एक इन्होंने ब्रिज कोर्स रख दिया। ब्रिज कोर्स का मतलब ये है कि जैसे हम एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर के बाद एमबीबीएस के बाद जाकर डॉक्टर बनते थे, उसके बाद पीजी करके 3 साल वो लगाते थे तो काफी अच्छी नॉलेज हो जाती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, ये तो स्टेप वाइज थे, सीढ़ी चढ़ चढ़ के थे, इन्होंने एक लिफ्ट लगा दी, लिफ्ट में जीएमएस, बीएमएस, यूनानी, आयुष, झोला छाप डॉक्टर, वो कहते हैं भाई तुम 6-6 उसका वो करके 6 महीने का कोर्स करा देंगे और तुम इनके लेवल पे खड़े हो जाओ जाके। ये किस लिए बनाया, आया कि गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि भाई ये लोग गरीबों का इलाज करेंगे, अमीर तो इनसे करवाएंगे नहीं। गरीबों के लिए क्या वो गरीब लोग इंसान नहीं है क्या, इनकी डिस्पैरिटी होनी चाहिए? तो ये क्या क्या मतलब ये किया है, ये तो यही बात हुई ना कि जो कार चलाने वाला है उसको 6 महीने का कोर्स करवा दो और वो जहाज चलाएगा, ऐसे तो हो सकता है? ये तो खिलवाड़ हुआ लोगों की जान से। नंबर एक, ये नहीं होना चाहिए। नंबर दो, जैसे ये लोग वो करते हैं, क्या नाम है अपना, डॉक्टर लोग बनते हैं 5 साल के बाद, ठीक है ना, इनके 5वें साल में इन्होंने एक एग्जिट एग्जामिनेशन रख दिया, ठीक है। एग्जिट एग्जामिनेशन में हमें ये नहीं समझ आता कि भाई क्या वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, क्या वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, क्या उसमें क्लिनिकली एक्सपीरियंस, जो ट्रेनिंग देते हैं हम 3-4 साल की, जो वार्ड में क्लिनिक से अटेंड करते हैं, शाम को पेशेंट के वार्ड में जाके देखते हैं डिटेल में, क्या उनका भी प्रैक्टिस होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा? दूसरा कि ये तो एक बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, तो कैसे बच्चे इसको करेंगे, आगे पीजी के लिए भी इसके लिए बड़ी वो मारो मारे हो जाएगी। तो ये 2-3 चीजें हैं, ये इसके लिए ठीक नहीं है, जिसकी वजह से राष्ट्रव्यापी हड़ताल हमने की है। क्योंकि हमारे पास जो सेंटर से हमारे पास है, हमने अपने आप वो कोई नहीं किया, हमारे पास सेंटर से ये उद्देश्य आए थे कि भी आप कृपा करके हमें और मेडिकल स्टूडेंट्स है उनके साथ कोऑपरेट करो ताकि इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दे, थोड़ा संशोधन कर दिया जाए इसमें, हमारी ये मांग। तो डॉक्टर साहब अगर फिर देखेंगे, फिर स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, जो राज्य भर में कोई ना कोई वो करेंगे, हम सारे प्रदेश में और बड़ा वो करेंगे।